अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं सचिन स्नेटे और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने सभी तरह के खेलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कश्मीर में भी देखें तो कोरोना वायरस के आने के बाद से लगभग सभी तरह के खेल बंद है। युवा खिलाड़ी अपने अपने स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि जब खेल स्पर्धाएं शुरू हो तो वो उनमें उसी त्वरित गति से भाग ले सकें, उसी अपने कौशल को दिखा सकें जो इससे पहले वो दिखाते थे और अवार्ड्स लेकर आते थे। खासतौर पे कश्मीर घाटी में इन दिनों वुशु की तरफ जो युवा खिलाड़ी हैं काफी आकर्षित हो रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रशिक्षण सत्र चल रहा है जिसमें जो अलग अलग इलाके से खिलाड़ी पहुंचते हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है भारत को गोल्ड दिलाने का, भारत के लिए कई सारी प्रतिस्पर्धाएं जीतने का। आपको मिलवाएंगे खिलाड़ियों से और जो कोच हैं वुशु के उनसे भी, और जानेंगे जो ये बच्चे हैं जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं इनके माता पिता क्या सोचते हैं इस खेल के बारे में। आपको बता दें कि दरअसल ये मार्शल आर्ट का ही एक स्वरूप है। तो आइए आपको ले चलते हैं श्रीनगर में, हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की है बच्चों से और उनके माता पिता से, कोच से, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे कोचेज रमीज सर, इरफान सर और एजाज सर और मकसूद सर ने अपने में बात की और उन्हें बोला कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो फिर हमने वुशु के ऑनलाइन क्लासेस एक दो महीने दिए। दो मंथ्स के बाद फिर थोड़ा सा लॉकडाउन ईज़ होने लगा तो हमें लगा कि हम थोड़े खुले ग्राउंड में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ के कोविड वोविन मतलब उतना रहे, सारे आपस में एक साथ नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम यहाँ आए। फिर यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया और सब दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स सब कुछ यूज़ करके प्रैक्टिस करते हैं। ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए भी खेलती हूँ मगर मेरा शौक प्लेयर बनने का है, ओलंपिक्स में गोल्ड निकालने का है। मतलब ये सारे बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए खेलना है मगर मेरे को मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए ठीक है लड़कियों के लिए, मगर मैं आगे का सोच रही हूँ कि मुझे नेशनल्स तक जाना है, ओलंपिक तक जाना है। मतलब ये शौक है मेरा। और मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक यहाँ रिपोर्ट करते हैं, फिर एजाज सर रमी सर आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत मज़ा लगता है। और टाइकवांडो भी अच्छी गेम है, मैं भी उसमें खेल चुकी हूँ नेशनल्स तक, इंटरनेशनल तक। चोट लगने का तो है, अब अगर लड़की को अगर रहना है तंदुरुस्त रहना मतलब अच्छा रहना है तो चोट वोट का नहीं सोचना है, उसमें हमें फ़ाइट करनी है। मैं सुबह यहाँ पे 6:30 पहुँचती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, फिर हम 8:30 बजे तक निकल जाते हैं। मैंने तो पहले यहाँ पे एक नेशनल खेला, फिर मैं भोपाल गई, फिर मैं तमिलनाडु भी गई, फिर मैं हरिद्वार भी गई, फिर उसके बाद मैं झारखंड भी गई। वहाँ पे तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है, बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस भी हो जाती है, वहाँ पे कैंप भी लगता है, नेशनल कैंप लगता है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये हमारी हेल्प करे, क्योंकि जो भी मार्शल आर्ट में उनके पास किसी के पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं। हमारा जो क्रिकेट होता है उनमें तो उतनी खास चीज़ें नहीं होती है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैट होता है, बॉक्सिंग पंच होते, बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, चेस गार्ड होते हैं, शिन होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए हमें बहुत एफ़ोर्ड करना पड़ता है, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें मैट दीजिए, हमें इक्विपमेंट दीजिए, हमें सब कुछ दीजिए कि जैसे कि हम और अच्छा खेलें, और आपके लिए हम गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे मेडल्स लाए, नेशनल मेडल्स लाए, इंटरनेशनल मेडल्स लाए और ओलंपिक में भी मेडल्स लाए। मैं सुबह महाबा कदल से आती हूँ और मैं यहाँ 6:30 तक पहुँचती हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में इंडो स्टेडियम आई तो मैंने जूडो स्टार्ट किया था, पर जूडो खेलते खेलते मेरे को वुशु का शौक आया क्योंकि वुशु में वुशु सेल्फ डिफेंस है, स्टांस है, इसमें स्टांस ऑफ फाइट है, इसलिए मुझे वुशु का बहुत मुझे वुशु बहुत पसंद आया, इसलिए मैं वुशु में फिर आई। मैंने वुशु इसलिए ज्वाइन किया, मेरी बहन पहले इंडो स्टेडियम जाती थी लेकिन वो पहले वुशु नहीं खेलती थी, फिर जब हमने इस गेम को देखा ये बहुत अच्छी गेम थी और मेरा भी इंटरेस्ट गया, लेकिन तब मैं नहीं खेल पा रही थी, तो जब मेरी बहन ने स्टार्ट किया फिर उसी के थोड़े दिन बाद मैंने भी ज्वाइन किया। जी अभी मुझे 3 साल हो गए, अभी चौथा चल रहा है। बहुत अच्छा, रमी सर, इरफान सर, एजाज सर जिस तरह हमें प्रैक्टिस करवाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने कोचेस का नाम रोशन करना चाहते हैं। एक तो इसमें सेल्फ डिफेंस है और सेल्फ डिफेंस इससे सीख सकते हैं हम लोग, ज़्यादातर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, इसलिए ये गेम मतलब बहुत यूज़फुल है गर्ल्स के लिए।
कि कश्मीर में बहुत वुशु जो है बहुत ग्रो हो रहा है, लाइक सब स्पोर्ट्स बहुत ग्रो हो रहे हैं। तो आजकल के इधर पे हम मतलब बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग नहीं है, मतलब बॉयज़ बाहर निकलेंगे बॉयज़ खेलेंगे और गर्ल्स घर पे बैठने के लिए आज बिल्कुल भी नहीं है। आज गर्ल्स भी खेल सकते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज गर्ल्स भी बहुत आगे जाकर खेल रहे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी जो मतलब घरों पर है जिनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब सब खेल रहे हैं आज, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं बहुत आगे जा रही हैं, तो उनकी डॉटर्स भी है वो भी आगे जाएँ, सिर्फ बॉयज़ नहीं है कि वो ही खाली खेलें। आज बॉयज़ भी खेल सकते हैं और आज गर्ल्स भी खेलते हैं। इस गेम से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है, अगर इन सब जूनियर जूनियर या सीनियर में कोई मेडल निकालता है उसमें भी स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है। सबसे बड़ी बात है फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, दिन भर घर में होते हैं, पढ़ाई दिन के साथ दिन भर पढ़ाई के साथ रहते हैं, तो अगर स्पोर्ट्स के साथ भी रहेंगे तो अच्छी बात है। और मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो उन्हीं टाइम बहुत सारे बच्चों का वेट अप हो गया था और थोड़ा सा घर में रह गए थे, तो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रह गए थे। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एसोसिएशन के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और वुशु एसोसिएशन ऑफ J&K जो हमारे CEO है मिस्टर कुलदीप फंडू, जिन्होंने रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड लिया है, ये हमारे कश्मीर J&K के लिए बहुत प्राउड की बात है कि पहला जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कश्मीर से है और वो वुशु से ही है। हमने उस निरू मीटिंग की, पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग की, हमने पेरेंट्स को भी बोला, तो वहाँ भी डिसाइड हो गया कि हम जूम क्लास ऐप लेंगे, ऐप है उसमें हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और जो ही हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो बच्चों के साथ हम कनेक्ट रहे, मगर अब जो ही आपको पता है कि 2G की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी यहाँ पे, तो मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम कंटिन्यू कर रहे थे, लॉग इन लॉग आउट होता था, तो मगर हम तो भी बच्चों को कनेक्ट कर रहते थे, जितना हमारे से होता था वो हम करते थे। मेरे पास 60-70 स्टूडेंट्स रोज़ आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, लाल बाजार से आते हैं, बेमिना साइड से आते हैं, बागात से आते हैं, हवाकदल से आते हैं, बहुत हम यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है 6 बजे, मगर 5:45 यहाँ पे बच्चे रिपोर्ट करते हैं, इतना ये मतलब खुश होता है कि हमारी प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम हो गई। सारे J&K से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूँगा, कश्मीर से बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, जैसे जोहर अहमद भट्ट है हमारे, उन्होंने ईरान में ब्रॉन्ज मेडल निकाला है, साहिल मंजूर है वो गए थे चाइना गए थे, नवीद फारूक है ब्राज़ील गए थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे, सबका नाम मुझे अभी याद नहीं आएगा। रिसेंटली मुनाजा गाजी एक जो प्रेजिडेंशियल कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने वो एक ब्रुनेई गई थी दारुल सलाम, वहाँ पे उसने जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी वहाँ पे उसने सिल्वर मेडल निकाला। और उसके बाद ही कुछ ही टाइम के बाद लॉकडाउन से पहले ही मॉस्को स्टार्स एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल का, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल निकाला। एक ही तमन्ना है कि बच्चे ठीक रहें, फिट रहें, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, और हमारा सपना है कि हमारे बच्चे भी दुनिया देखें और इंडिया के लिए गोल्ड लाएं। जैसे मैनेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने सपना देखा है जागती हुई आँखों से, और हमारा सपना है कि हमारे बच्चे फिट रहें और इंडिया के लिए गोल्ड लाएँ, और इसीलिए हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, और हम गुजारिश करते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि ताकि हमें मतलब काफ़ी फैसिलिटी मिले, इन कोचेस को फैसिलिटीज़ मिले और ये इन बच्चों को तैयार कर सके। मेरे ख्याल में जो लोग ट्यूशन और डिफरेंट चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, बेटर टू इन्वेस्ट इन द मॉर्निंग। बच्चों पे अगर खर्च किया जाएगा तो मॉर्निंग में उनको पैशन का एक्सरसाइज दिखाओ और सेहत दिखाओ और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाओ, क्योंकि 4 चीज़ें सेहत के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज, सेकंड इज एटीट्यूड, थर्ड इज़ रेस्ट, एंड फोर्थ इज़ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो एक्सरसाइज तो यहाँ बढ़िया करवाते हैं। आई सल्यूट टू दिस कोचेस जो बिना वो है ना वो बिना रिलीजन देख के हर एक को सपोर्ट करते हैं, विदाउट मनी वो टाइम निकाल के बहुत पैशन से इनको सिखाते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि यहाँ सुबह जब आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम भी फिट रहते हैं और बच्चे भी फिट रहते हैं। और हमने देखा है जो कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वुशु हो, जोड़ो हो, कोई भी गेम हो, वो बच्चे के लिए अच्छा होता है क्योंकि बच्चे फिट रहते हैं। इसे बच्चे फिट रहे, फैमिली फिट रहे, बच्चे जब अच्छे रहेंगे घर में वो एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, वो सारा कुछ पेरेंट के लिए अच्छा रहेगा और उसका डिसिप्लिन भी अच्छा रहता है। पेरेंट ही गेम ही वो चीज़ एक है जो बच्चे को सिखाता है कि माँ बाप क्या है, गेम क्या है, सर क्या है, मुझे किस तरह चलना है इस दुनिया में, वो होता है। और जो मेरी बेटी है, इसने कम से कम 8-9 साल से खेल रहे हैं, उसने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और जब मैंने वहाँ देखा, खुद भी मैं वहाँ इसके साथ गई, मैंने वहाँ पर जो बच्चे वहाँ हैं उनको बहुत फैसिलिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत फैसिलिटी, अगर कोई मेडल निकालता
होती है उसको मेडल का भी अवार्ड मिलता है। एक तो उसको वो अपने पर्सनल मिलता है, दूसरा जो भी इक्विपमेंट होता है जो उसको लगेगा वो उसको वो प्रोवाइड करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। मगर बदकिस्मती है हमारे स्टेट स्पोर्ट्स में बहुत अभी पीछे है, इनको आगे जाना पड़ेगा, इन पर एफर्ट्स लगानी पड़ेगी बच्चों पर, और जब ये स्टेट के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो जे एंड के का नाम रोशन हो जाएगा।